हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमिस कुकिंग। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। जब भी नाश्ता हो खाने में ही टेस्टी और सेहत के लिए अच्छा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि सभी को नाश्ते में कुछ चटपटा ही चाहिए होता है। तो चलिए हम इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप वर्मिसेली, यानी कि 1 कप सेवई ले रही हूँ। और इसे हमें हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, चॉप्ड किया हुआ ग्रीन अनियन, मटर और बारीक कटा हुआ बीन्स ले रही हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 1 कप सेवई को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर देंगे। हम इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। इसी तरह से हम इसे चलाते हुए रोस्ट कर देंगे। अब हमारा ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर रख देते हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ही तेल डाल देंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो। हम इसमें थोड़ा सा ही ऑयल यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसे हेल्दी बनाना होगा। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं अच्छे से। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो, हेल्दी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्याज थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ गाजर, बीन्स, मटर, ग्रीन अनियन। आपके पास अगर ग्रीन अनियन नहीं है तो भी फिर चलेगा, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे पहले कुक कर देते हैं। और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके स्लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है, पर बहुत हमारे सेहत के लिए अच्छा भी होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप या 1.5 कप पानी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। और इसमें एक बॉईल आने के लिए रुकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ इसे थोड़ा सा तीखापन देने के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हमारा ये अच्छे से बॉईल होना शुरू हो चुका है। जो भी अच्छे से बॉईल हो उसके बाद ही आप इसमें सेवैयाँ डालिए। ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल सेवैयाँ स्टिकी नहीं बनेगा। सेवैयाँ डालने के बाद इसे आप अच्छे से मिला देती है। और 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही कवर करके छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हो ये सारा पानी अच्छे से सूख चुका है। ये बिल्कुल ड्राई ही बनेगा और आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसमें और टेस्टी और यमी बनाने के लिए थोड़ा सा मैगी का मैजिक मसाला डाल देते हैं। इससे सेवैयाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनता है। इसे हम अब अच्छे से मिला देते हैं। अब आप देख सकते हो अच्छे अच्छे ड्राई होना शुरू भी हो चुका है। हमें इसी तरह से इसे मिलाते रहना होगा। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिए। कुछ टाइम मिलाने के बाद आप देख सकते हो ये अच्छे से ड्राई भी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ फ्रेश धनिया के पत्ते और इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद आप सर्व करिए।
आप देख सकते हो ये कितना ड्राई और खिला खिला बना है, और इसका टेस्ट भी आपको पसंद आएगा। आप इसे एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।